बात करेंगे रिफ्यूजल्स के बारे में, क्योंकि सितंबर 2021 या जैन 2022 की बात करें तो बहुत बड़े नंबर्स में बच्चों को रिफ्यूजल मिले हैं। जितने भी बच्चे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम नंबर्स में बच्चों को रिफ्यूजल मिले हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें कैसे रीअप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ वही पॉइंट डिस्कस करूंगा कि कैसे हमें फर्स्ट टाइम भी अगर हम अपनी फाइल लॉन्च करते हैं तो किन मेन पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए फाइल लॉन्च करते हुए, ताकि आपको फर्स्ट टाइम ही रिफ्यूजल ना आए और फर्स्ट टाइम में ही आपका वीजा आपको मिले। अगर फिर भी इनकेस आपको रिफ्यूजल आता है तो कैसे रीअप्लाई करना चाहिए, किन मेन पॉइंट्स को माइंड में रखना चाहिए, रिफ्यूजल के रीजन को कैसे जानना चाहिए, उन सभी पॉइंट्स को हम माइंड में रखकर दोबारा से रिप्लाई करेंगे तो 100% आपका वीज़ा अप्रूव होगा। बहुत सारे केस मैंने ऐसे भी देखे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने फर्स्ट रिफ्यूजल के बाद बिना कुछ चेंज किए अपनी फाइल में दोबारा सेम कॉलेज सेम कोर्स में अप्लाई किया और दोबारा रिफ्यूजल मिला, और थर्ड टाइम फिर दोबारा कुछ भी चेंज किए बिना अपनी फाइल में विदाउट जस्टिफिकेशन अपनी फाइल को लॉन्च किया, और तीसरा रिफ्यूजल भी उन्होंने सेम कॉलेज सेम कोर्स में लेकर अपनी फाइल पे तीन रिफ्यूजल ले लिए हैं। अभी उनके पास फोर्थ चांस है, मगर कनाडा में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे एप्लीकेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको 10-10 रिफ्यूजल मिलने के बाद भी वीज़ा मिला है। मीनिंग जो भी रीज़न है, जिस रीज़न के कारण आपकी फ़ाइल को रिफ्यूज़ किया गया है, आपकी ड्यूटी है कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी फाइल लॉन्च करने जा रहे हो तो उन रीजंस को आपने इम्प्रूव करना है या रिमूव करना है। अगर तो रिमूव करने वाले हैं तो उनको रिमूव करना है, अदरवाइज उनको इम्प्रूव करके आपकी फाइल लगाएंगे तो 100% आपको वीज़ा मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी टॉपिक पर बात करूँगा, इन्हीं क्वेश्चन इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि फर्स्ट टाइम अगर आप अपनी फाइल लॉन्च करते हो तो किन मेन पॉइंट्स को माइंड में रखना है, और अगर रीअप्लाई करते हो तो किन मेन पॉइंट्स को माइंड में रखना है ताकि आपको वीज़ा मिल सके। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे और उन सभी बच्चों तक पहुँचाएंगे जो कैनेडा स्टडी वीज़ा के लिए अपनी फाइल लॉन्च करना चाहते हैं या कर चुके हैं। और लास्ट में ये भी उम्मीद करूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रीजंस ऑफ रिफ्यूजल्स के बारे में। अगर आप रीजंस को समझ लोगे कि किस तरह के रीज़न आपकी फ़ाइल पर आ सकते हैं तो जब आप अपनी फाइल फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हो या रीअप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना कि कैसे मुझे अपनी फाइल को लॉन्च करना चाहिए ताकि ये रीज़न मुझे दोबारा से ना मिले। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं, जिसमें 99% बच्चों की मैं बात करता हूँ जिनको कॉमन रीज़न आते हैं, जैसे पर्पज़ ऑफ विजिट का आ सकता है, मिसिंग मार्कशीट का आ सकता है, नेगलिजिबिलिटी का आ सकता है, इररेलेवेंट कोर्स का आ सकता है, फंड्स का आ सकता है, गैप जस्टिफिकेशन का आ सकता है। ये जो रीज़न है मुझे कॉमन रीज़न है, सभी को लगभग सेम आते हैं। अभी आपने चेक करना है कि आपकी जो फाइल को रिफ्यूज़ किया गया है उसमें इनमें से कौन सा रीज़न आया है। अगर आप खुद समझ सकते हो आपकी प्रोफाइल को देखकर कि मेरी प्रोफाइल में ये प्रॉब्लम थी इसीलिए मुझे रिफ्यूज़ किया गया तो बहुत आसान है। अगर नहीं समझ पा रहे तो आप केप्स नोट के लिए जा सकते हो। केप्स नोट अप्लाई करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें आपको क्लियर होगा कि किस वजह से आपको रिफ्यूज़ल मिला है। उसमें भी बहुत सारे केसेस में अभी कोई प्रॉपर रीज़न आपको नहीं मिलता, मगर फिर भी आपको देखना पड़ता है कि आपकी फाइल में रीज़न क्या है। अभी हम हर एक रीज़न की बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे फर्स्ट रीज़न पे, पर्पस ऑफ विजिट। अगर आपको ये रीज़न मिला है, यानी कि आपकी प्रोफाइल में कोई भी वीक पॉइंट नहीं था, आपके एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा था, आपका आई स्कोर बहुत अच्छा था, आपने रेलेवेंट कोर्स यूज़ किया था, फंड्स प्रॉपर शो किए थे, मगर आपकी फाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, मगर फिर भी आपको रिफ्यूज़ल आया, तो मीनिंग आपने जस्ट आपका जो SOP है उस पर काम करना है और उनको बताना है कि क्यों आप अपने कंट्री वापस आओगे उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। जहाँ आपने कनाडा में क्यों चूज़ किया ये कोर्स करना, वही कोर्स आप इंडिया में भी कर सकते हो। इंडिया की बजाय आप कनाडा क्यों जाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने लायक नहीं है। आप अगर सेम कोर्स में भी अप्लाई करते हो तो भी आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेकेंड की मैं बात करूँ, अगर आपको लैंग्वेजिबिलिटी का मिला है या किसी अदर तरह के कोर्स, सेकेंड जो मेन पॉइंट आपने माइंड में रखना है, अगर आपके एकेडमिक स्कोर लो है तो आपको कभी भी कोर्स कोई ऐसा नहीं लेना चाहिए जिसमें ज़्यादा एकेडमिक स्कोर की ज़रूरत हो। जैसे कोई टेक्निकल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, या मेडिकल के कोर्सेज हैं, या टीचिंग के कोर्सेज हैं, वैसे कोर्स आपको नहीं लेने चाहिए। आपको एवरेज या लो एकेडमिक के साथ हमेशा जनरल स्टडी के साथ ही जाना चाहिए, जिसमें आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनके 50, 55, 60% होते हैं आपको लैंग्वेजिबिलिटी के कारण, यानी कि आपके एक में फाइल
सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, चाहे आपको 3 बार और 4 बार और दोबारा से आयल्स करना पड़े, आप आयल्स ही करिए और 6 सीट से ऊपर स्कोर लीजिए। फिर भी बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आता है, सर मैंने 3 बार टेस्ट दे लिया है, 4 बार टेस्ट दे लिया, 1 साल हो चुका है नहीं स्कोर आ रहा, अभी आप बताइए क्या हो सकता है। तो आपको हमेशा वैसी लोकेशन और वैसा ही कोर्स चूज़ करना चाहिए जिस कोर्स और जिस लोकेशन पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन ना हो, यानी कि बहुत कम स्टूडेंट जाते हो। अनदर प्रोविंस में जाना चाहिए, जैसे अल्बर्टा हो गया, सस्केचवन हो गया, प्रिंस आइलैंड हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोविंसेस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं है और कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पर उनको इमिग्रेंट्स मिले, वहाँ पर उनको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिले। वैसे एरिए में आप जा सकते हो, वैसे एरिए में आपके थोड़े बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पर आपका वीज़ा आ जाएगा अगर आपका फाइल में 6 इंच नहीं है या आप नॉन एस्टेज में फाइल लगा रहे हो। इसके बाद बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। बहुत सारे बच्चे जिनकी फाइल में स्टेटमेंट नहीं लगा होता, जो अच्छे से मैनेज हो, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट नहीं लगा होता, ITR नहीं लगा होता, CA रिपोर्ट नहीं लगा होता, सिर्फ 1 ईयर का फीस पे किया होता है और GIC लगा होता है। बहुत सारे बच्चे जिनको रिफ्यूज़ल आता है अगर उनकी फाइल में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स को नेक्स्ट टाइम जरूर अपनी फाइल में अटैच करना है ताकि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वीज़ा ऑफिसर को मालूम पड़ सके। आज के समय में ITR कोई बड़ा चीज़ नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स फार्मर भी हैं या कोई भी काम नहीं करते तो भी वो 5 लाख तक ITR फिल कर सकते हैं विदाउट एनी टैक्स पे किए। आज के समय में ITR फाइल करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स फार्मर भी हैं या उनका काम ऐसा है जिसमें वो टैक्स नहीं पे करते तो भी वो 5 लाख तक का ITR फाइल कर सकते हैं कोई भी टैक्स पे किए बिना। फिर आपके मदर कोई बुटीक का शुरू कर सकते हैं, कुछ भी आप शुरू कर सकते हो जिसमें सिर्फ आपको पैन कार्ड की जरूरत है, आपने किसी भी तरह का बिजनेस रजिस्टर नहीं करवाना, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए, जस्ट एक पैन कार्ड भी आप अपने पेरेंट्स का, फादर और मदर का, दोनों का 4 से 5 लाख तक ITR फाइल कर सकते हो जिसमें आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता, जस्ट 1000 to 1500 जो आपका ITR फाइल होता है आपके पास जो प्रूफ आ जाता है 9 to 10 लाख रुपीज़ पर ईयर की आपकी इनकम शो हो जाती है। बहुत सारे बच्चे तहसीलदार के इनकम सर्टिफिकेट लगाते हैं, बहुत सारे बच्चे अनदर डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने की कोशिश करते हैं, मगर आपको किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, आप अपने CA के पास विजिट करिए। अगर आपके CA नहीं है, किसी भी CA के पास जाइए, उनको बोलिए कि ये 2 पैन कार्ड हैं, इस पर हमने 5 लाख का ITR फाइल करना है, वो एक बहुत बड़ा प्रूफ हो सकता है आपके लिए, बहुत बड़ा एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है जिससे आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो सकते हैं। CA रिपोर्ट को बहुत सारे बच्चे जब बहुत सारे कंसल्टेंट इग्नोर करते हैं। लैंड वैल्यूएशन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, अगर आपकी जो टोटल प्रॉपर्टी है, टोटल CA रिपोर्ट है 1 CR से ऊपर जाती है तो 100% आपको अपनी फाइल के साथ अटैच करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर ये चीज़ को मान कर चलते हैं कि अगर बच्चा 15-20 लाख पर ईयर का खर्चा करने वाला है तो इसका जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितने क्या वो अपने फीस को, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमने उसकी श्योरिटी देने के लिए ये डॉक्यूमेंट जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अटैच करना है। इसके बाद बात करेंगे गैप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों के पास गैप होता है, फिर चाहे वो 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, अगर आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज करते हो, अगर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है गैप डॉक्यूमेंट्स की, तो आपके लिए गैप को जस्टिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अगर आपका गैप जेन्युइन भी है और आपने डॉक्यूमेंट वैसे नहीं अरेंज किए जैसे आपको करने चाहिए थे, वीज़ा ऑफिसर को नहीं मालूम कि आपका गैप आपने जेन्युइन फिल किया हुआ है जहाँ आपने उसको फेक डॉक्यूमेंट लगाया हुआ, वो सारा जो चीज़ वो समझने की कोशिश करते हैं जो डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट किए हैं क्या वो जेन्युइन लगते हैं या नहीं लगते हैं। मैं जहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करिए, मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आपका एक्सपीरियंस जेन्युइन भी है, मगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं कह रहे कि वो जेन्युइन है, वो भी पॉसिबिलिटी है कि आपको इस वजह से रिफ्यूज़ल हो जाए। तो यानी कि अगर आपका कोई जेन्युइन रीज़न है जिसमें आप गैप को जस्टिफाई कर पाओ तो उसके डॉक्यूमेंट्स को आपने बहुत अच्छे से मैनेज करना है और आपके SOP को प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि उस समय में आपने क्या क्या किया। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज करने के बाद अच्छे से अपने गैप को जस्टिफाई करते हो तो आपके वीज़ा के चांसेस काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इररेलेवेंट कोर्स का। बहुत सारे बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनका रिफ्यूज़ल आया होता है उनके 99% इररेलेवेंट कोर्स की वजह से आता है और उसके बाद वो बच्चे बोलते हैं कि मेरे कंसल्टेंट ने मुझे मिसगाइड कर दिया। ऐसा नहीं है, सच का सामना करना चाहिए। अगर मैं आपको कोई
चीज़ रिकमेंड कर रहा हो, तो फाइनल डिसीजन तो आपका ही होना चाहिए। अगर आपको मालूम है कि आपका जो कोर्स रेलिवेंट नहीं है तो आपने क्यों चूज़ किया, फिर आपने क्यों फाइल लॉन्च की। तो बहुत सारे बच्चे जैसे मेन टेक की अगर आप बात करते हैं, कोई कोर्स नहीं मिल रहा तो उस समय वो बोलते हैं कि कोई भी कोर्स है तो मेरी फाइल आप मेल में लगवा दीजिए। एक टेक पहले जाने से अच्छा है कि आप नेक्स्ट टेक में जाइए, मगर कोर्स आपका रेलिवेंट होना चाहिए जो आने वाले समय में भी आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, इसमें से आप देखिए कि आपकी फाइल में क्या वीक पॉइंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर आपको भी रिफ्यूज़ल मिला है, आप हमारी हेल्प लेना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर 9551760001 पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप केस को अप्लाई करना चाहते हो, हेल्प लेना चाहते हो, तो भी ले सकते हो। अगर आप हमें अपनी फाइल शेयर करेंगे तो हम आपको रीज़न बता सकते हैं कि आपका रीज़न क्या है, आपको रिफ्यूज़ल क्यों मिला है। आपको केस को अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो रीज़न है वो क्लियर नहीं होता, वहाँ पर हम भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको केस को अप्लाई करना चाहिए। जब आपकी प्रोफाइल में कोई भी कमी नहीं है फिर भी आपको रिफ्यूज़ल मिला है, उस केस में हमें देखना पड़ता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे 99% फाइल को देखने से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या रीज़न है और इसको क्यों रिफ्यूज़ किया गया है और किस चीज़ को इम्प्रूव करने के बाद इस फाइल पे वीज़ा लिया जा सकता है।